एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर दमोह अधिवक्ता संघ के चुनाव आयोजित किए गए। दमोह जिला न्यायालय परिसर स्थित बार रूम में अधिवक्ता संघ के चुनाव संपादित किए गए, जहां पर दो प्रत्याशियों के बीच और अन्य पदाधिकारियों के बीच मुकाबला देखने को मिला। यहां पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के द्वारा अधिवक्ता संघ चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। उपाध्यक्ष वाले में सांसदों की तरफ एक उपाध्यक्ष किसने डाल हम उन्होंने बोला नहीं लड़ा दो नहीं लड़ा दो ये तो आप ध्यान रखना। यहाँ पर प्रत्याशी तो बहुत है मैदान में, लेकिन अध्यक्ष के लिए दो प्रत्याशी हैं, उपाध्यक्ष के लिए पांच हैं, सचिव के लिए दो हैं, सह सचिव के लिए दो हैं और कोषाध्यक्ष के लिए तीन हैं। इस तरह से जो हमारी निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है वो 8 तारीख को आज हमारे अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल है वो आज हमारा समाप्त होने वाला है और निश्चित रूप से जो चुनाव अधिकारी हैं वो पूरी गोपनीयता बनाए रखे हैं और चुनाव जो है वो गोपनीय तरीके से सुचारू ढंग से करवा रहे हैं। 575 मतदाता हैं और हमें ये लग रहा है कि जो वोट डल रहे हैं
वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा वोट डालेंगे क्योंकि चुनाव में बहुत उत्साह है लोगों को। जिला अधिवक्ता संघ दमोह में जो 21-22 के जो द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं उसमें अध्यक्ष के लिए दो उम्मीदवार हैं, उसमें सुरेश मेहता और रविकांत ठाकुर जी हैं। उपाध्यक्ष पद हेतु 4 प्रत्याशी हैं और सह सचिव हेतु 2 प्रत्याशी, सचिव हेतु 2 प्रत्याशी, पुस्तकालय प्रभारी के लिए भी प्रत्याशी 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, कोषाध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में, और यहाँ जो कार्यकारिणी वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। और मुझे तो सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा चुनाव की पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और मैं उसका पर्यवेक्षण करके रिपोर्ट लगातार मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को प्रेषित कर। ये हमारे वार्षिक द्विवार्षिक चुनाव है, ये हमारे अधिवक्ता संघ के आज संपन्न हुए हैं और इनका जो रिजल्ट है उनका मतगणना के पश्चात प्रसारित कर दिया जाए। हमारे यहाँ मात्र 5 पदों पर प्रत्याशी हैं, कुल 12 प्रत्याशी हैं, बाकी जो हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, कार्यकारिणी से संबंधित हैं सभी निर्वाचित हो चुके हैं। अभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, पुस्तकालय सचिव और कोषाध्यक्ष, सभी पर अलग अलग हैं, किसी पर 5 हैं, किसी पर 2 हैं, किसी पर 3 हैं।